हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम बैक। एक्चुअली वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो लेट अस कंटिन्यू। ओके, सो वी हैव डन टिल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मीन्स हमने कहाँ तक कर लिया था? एसिड्स के पीछे तक कर लिया था, एसिड्स की प्रॉपर्टीज तक हमने कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो हम क्या करने वाले हैं? हम प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। ये आप सभी को पता, हमने पिछले लेक्चर में भी किया कि जो एसिड होता है वो सोर होता है, मीन्स खट्टा होता है टेस्ट में। ओके, सो एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ योर एसिड्स। सो नाउ नेक्स्ट इज टर्न ब्लू लिटमस रेड। सो लिटमस क्या होता है? लिटमस इज गिवन यू द पेपर कि एक रेड लिटमस होता है, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है। तो जो ब्लू वाला लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। अगर आप उसको एसिड टेस्ट करेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा? रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। ओके, सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट इज दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि जो एसिड्स हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को खुद में से पास होने देते हैं। सो ओके, तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ इज कोरोजिव इन नेचर। कोरोजिव का मतलब क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कोरोजिव, हाईली कोरोजिव होते हैं एसिड्स। जो वीक एसिड्स हैं वो कम होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो हाईली कोरोजिव होते हैं। इवन इतने कोरोजिव कि पेपर को तो बर्न कर ही सकते हैं, इवन वो मेटल को भी कोरोड कर देते हैं। ओके, सो हाईली कोरोजिव मेटल्स आर कोरोजिव, एसिड्स आर कोरोजिव इन नेचर। सो नेक्स्ट इज सोल्यूबिलिटी इन वाटर। Means acids are soluble in water. Okay, so we can say solubility is soluble in water. Acids can be soluble in water. So this is your fifth property. Sixth is reaction with metal and release hydrogen gas. कि अगर कोई भी acid metal से react करता है, metal means आपको सभी को पता है iron, zinc, cobalt, nickel ये सब metals हैं। तो जब कोई भी metal रिएक्ट करेगा किसके साथ में? एसिड के साथ में, तो वो आपको हमेशा क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा रिलीज में। ओके, सो आप यहाँ से देखिए एक एग्जांपल है। आपकी एक्सरसाइज में जो हैं या आपकी जो रिएक्शंस हैं, यू आर गोइंग टू कंटिन्यू इन योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स। ओके, सो जस्ट रीड इट आउट एंड जस्ट लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, है ना? कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, सो देखिए जिंक है, जिंक मीन्स मेटल एंड HCl मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड। देन रिएक्ट वो क्या देगा? जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, दिस इज हाइड्रोजन गैस। ओके, सो देखिए मेटल रिएक्ट किया किसके साथ? एसिड के साथ, और उसने हमें क्या दे दिया? हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स टू गिव सॉल्ट वाटर एंड CO2। मीन्स कि जो एसिड है अगर वो कार्बोनेट्स के साथ आ जाए, कार्बोनेट्स कौन से होते हैं? CO3 वाले। जो CO3 होता है वो कार्बोनेट का सिंबल होता है। ओके, तो एसिड जो है वो अगर एसिड जो है वो किसी भी मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देते हैं? हमेशा सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये है हमारे पास में क्या? मेटल कार्बोनेट एंड देन रिएक्टिंग विद एसिड गिविंग यू सॉल्ट। NaCl कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड, या फिर कह सकते हो कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे खाते हैं। ओके, सो कॉमन सॉल्ट एंड गिविंग यू इन एडिशनल वाटर एंड CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हैं और एक हमें दे रहे हैं वाटर और एक हमें दे रहा है सॉल्ट। सो ये आपका एग्जाम्पल्स है, जस्ट गो थ्रू दैट यू विल सी दैट दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट इज रिएक्शन विद बेस। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे गिव सॉल्ट। कि मैंने आपको बताया था जब हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या देता है? वो सॉल्ट देता है। सो सिमिलरली हेयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस इट विल गिव यू द सॉल्ट। तो ये हमारे पास में एसिड हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड दिस इज
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस ये क्या है हमारे पास में, बेस है, एसिड प्लस बेस गिविंग यू सॉल्ट, NaCl अगेन कॉमन सॉल्ट, मींस क्या है हमारे पास में क्या है, कॉमन सॉल्ट की जगह है ये आपको क्या कह सकते हो, सोडियम क्लोराइड एंड गिविंग इन एडिशन वाटर. ओके सो दिस प्रॉपर्टी, आई होप दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर दैट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट विल गिव यू द एग्जैक्ट सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स. ओके सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विच यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. ओके सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट, दिस इज अ क्वाइट ईजी टॉपिक. सो देखिए अपना अगला टॉपिक क्या है, यूजेस ऑफ एसिड्स, कि हमने बात की एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, अब हम बात करने वाले कि एसिड के यूज क्या क्या होते हैं, कौन सा एसिड कहाँ पे किसके लिए यूज होता है. ओके सो फर्स्ट एसिड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस HCl. ओके एज यू नो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो फर्स्ट यूज ऑफ दिस इज डाइल्यूट HCl. डाइल्यूट मींस विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर. ओके सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज इन इंडस्ट्रीज, विच इंडस्ट्रीज, हीटिंग इंडस्ट्रीज मीन्स अप्लाइंग इंडस्ट्रीज, हीटिंग अपरेटस इंडस्ट्रीज, सच दैट कि क्या होता है, हीटिंग अपरेटस जो होते हैं जब वो उनको उनमें यूज किया जाता है हीट करने के लिए उन्हें, तो अंदर उनके क्या होता है, जो बॉयलर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, डिपॉजिट्स आ जाते हैं, मीन्स जो चीज़ वो कर रहे हैं, मीन्स जो चीज़ वो बॉयल कर रहे हैं उसके डिपॉजिट्स होते हैं वो अंदर वाली लेयर में आ जाते हैं. Such that to remove that deposits, hydrochloric acid is used. Okay, so dilute hydrochloric acid is used in industries for remove the deposits inside the boilers. Next is to cleaning of sanitary ware and sinks. Okay, so आपको पता ही है sinks जो अपने use हमारे घर पे होती हैं sinks and sanitary ware. Okay, तो इसको clean करने के लिए भी हमारे पास में क्या use होता है, एसिड्स यूज होते हैं. ओके नेक्स्ट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. सो फर्स्ट इज दिस इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड्स. ओके और यू कैन से किंग ऑफ केमिकल्स, क्यों, क्योंकि जो इसकी जो एप्लीकेशन है ये बहुत सारे फील्ड्स में है. दिस इज नोन एज किंग ऑफ एसिड्स, है ना, कि किंग है मतलब ये लार्ज यूज होता है इंडस्ट्रीज में, कि इसका हर एक इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ यूज होता है एसिड का. ओके सो फर्स्ट दिस इज द यूज मींस दिस इज किंग ऑफ केमिकल्स और किंग ऑफ एसिड्स. सो नेक्स्ट इज इन कार बैटरीज, जो हमारी कार के बैटरीज में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है. ओके सो इन कार बैटरीज दे रहे हैं, इट हैव अ ग्रेट एडवांटेज. नेक्स्ट इज इन पेंट्स, इन ड्रग्स, डाइज, फर्टिलाइजर्स, सो इन सबके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, पेंट बनाने के लिए, ड्रग्स के लिए, डाइज के लिए, ड्रग्स मींस यहाँ पे मेडिसिन से है मतलब. ओके डाइज से जो हम डाइज यूज करते हैं, हेयर डाइज. ओके फर्टिलाइजर्स जो हमारी फील्ड्स में, एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो यूज होते हैं उनको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं. तो सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ ग्रेट एडवांटेज इन दैट ऑल्सो. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट विच इज नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, HNO3. तो HNO3 क्या है, हमारे नाइट्रिक एसिड का नेम है. सो इसका फर्स्ट यूज क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ज्वेलर्स होते हैं, यू यूज टू गिव द ज्वेलरी फॉर पॉलिश और फॉर क्लीनिंग, है ना, कि जब सोना या चांदी हमारे घर पे जो काले हो जाते हैं मींस ब्लैकन हो जाते हैं, उसको क्या करते हैं, क्लीन करवाने के लिए हम ज्वेलर को देते हैं. तो ज्वेलर यूज विच एसिड टू क्लीन देम, सो ज्वेलर यूज नाइट्रिक एसिड फॉर क्लीनिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. ओके तो क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स को क्लीन करने के लिए नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं. सो नेक्स्ट इज प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स एज अमोनियम नाइट्रेट. अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक फर्टिलाइजर का नेम है, कंपाउंड का नेम है जिसे हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं. तो जो नाइट्रिक एसिड है वो ये बनाने के लिए, अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए हमें हेल्प करता है फॉर प्रोडक्शन. ओके सो दिस इज द यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड. नेक्स्ट इज फॉर एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड इज व्हाट, ऑर्गेनिक एसिड जो हमने बात की थी, जो फ्रूट्स में मिलता है ना. तो देखिए एसिटिक एसिड और क्या होता है, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, हमने अभी स्टडी किया था विनेगर. विनेगर मींस सिरका जो हम घर पे यूज करते हैं, तो
तो इसका सबसे फर्स्ट फीचर क्या होता है, हम किस में यूज करते हैं, व्हेन वी मेड फास्ट फूड वी यूज विनेगर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इट एनहेंस द फ्लेवर ऑफ द फूड, कि वो क्या करता है, उसका फ्लेवर अच्छा कर देता है जो हम फूड बनाते हैं। ओके, सो इसके लिए यूज होता है, विनेगर में यूज होता है, मीन्स फ्लेवर बढ़ाने के लिए। सेकेंड इज क्लिंजिंग एजेंट फॉर विंडो फ्लोर एंड यूटेंसिल्स, कि एज ये जो एसिटिक एसिड है ये किसके लिए यूज होता है, जो हम फ्लोर्स क्लीन करते हैं क्लीन करने के लिए यूज होता है, विंडोज क्लीन करने के लिए यूज होता है, और यूटेंसिल्स के लिए भी यूज होता है। सो ओके, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एसिटिक एसिड। थर्ड इज टू रिमूव स्टेन्स ऑन द वुड वर्क सच एज फर्नीचर एंड कारपेट्स, कि जो हमारे फर्नीचर के ऊपर जो धब्बे आ जाते हैं या कारपेट्स के ऊपर जो धब्बे आ जाते हैं वो किससे सही हो जाते हैं, एसिटिक एसिड से, कि एसिटिक एसिड उन पर लगा के रखते हैं और उसके बाद में क्या हो जाते हैं, रिमूव करने के लिए काम आते हैं जो वो स्पॉट्स होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, सो ये आप घर पे भी पूछ सकते हैं कि इन्हें एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है। प्रिजर्वेटिव मीन्स किसी चीज को प्रिजर्व रखने के लिए, बचा के रखने के लिए, सो वी यूज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। पिकल्स माने अचार, अचार में क्या विनेगर डाल के रखते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि अचार में सिरका या फिर विनेगर, मीन्स अपने क्या कहते, पिकल्स में विनेगर डाल के रखते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके, उन्हें बचा के रखा जा सके। अब ये बताइए कि उसमें ऐसा कुछ क्या होता है विनेगर में कि जो हमारा जो वो पिकल है वो कितने टाइम तक वो सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, मतलब खराब नहीं होता है, प्रिजर्व रहता है, तो वो उसके अंदर ऐसा क्या होता है। तो देखिए, जो कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पिकल्स की जो खराब करने में करते हैं, जो खराब करते हैं उन्हें, तो उनसे बचाना है तो उसके लिए विनेगर डालते हैं। सो विनेगर क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसिडिक मीडियम में नहीं रहते हैं, मीन्स उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट, अगर उन्हें एसिड में छोड़ दें तो एसिड में नहीं रहते हैं। ओके, तो विनेगर जब डालने के बाद में जो क्या उनकी सराउंडिंग्स क्या हो जाती हैं, एसिडिक हो जाती हैं, तो इसलिए विनेगर्स में क्या होता है, वो जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, मतलब वो मार देता है उन्हें, मीन्स किल कर देता उन्हें, तो इसलिए क्या होता है, वो किल कर देता है, और जो खराब करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें नहीं रहेंगे, या फिर उनकी एक्टिविटी जो है वो स्लो कर देता है। इसलिए जो पिकल्स में हम क्या डालते हैं, प्रिजर्वेटिव एज एसिटिक एसिड या फिर विनेगर डालते हैं, वो हमारे जो पिकल है उसको होल ईयर क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। सो दिस इज अ शॉर्ट समरी यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड कौन कौन से होते हैं, कौन से एसिड का कौन सा फॉर्मूला होता है और किस किस में यूज होते हैं, ये आपको मेंशन यहाँ पे किया गया है, एंड देयर इज अ मेंशन इन योर बुक्स ऑल्सो, सो यू हैव टू गो एंड वॉच अ लुक ऑन दैट। सो ओके, हैव अ लुक एंड स्टडी योर मटीरियल। सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंसिडर बेस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।